हे एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज दीपिका। सो बहुत से लोगों ने शायद से मेरा कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इस वीक से जो है, मैं जैसे हर बार सैटरडे संडे वीडियोस अपलोड करती थी, तो अभी सिर्फ संडे को ही वीडियो अपलोड करूंगी। बिकॉज इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। ऑल्सो ऑफिस का भी काम थोड़ा सा बढ़ गया है, इस वजह से मुझे क्राफ्ट बनाने में उतना सफिशियंट टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऑल्सो हर बार नए क्राफ्ट के आइडियाज़ अगर सोचने हो तो उसके लिए भी आपको पर्टिकुलर समय देना पड़ता है, तभी ऐसे कुछ यूनिक आइडियाज आप बना पाते हो। बट डोंट वरी, जो भी मैं संडे को वीडियो अपलोड करने वाली हूँ उसमें डेफिनेटली आपको क्वालिटी प्लस यूनिकनेस मिलने वाली है। ऑल्सो देर इज वन मोर अनाउंसमेंट आई हैव टू मेक, बट वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, बिकॉज थोड़ा सा सस्पेंस तो रहना चाहिए ना। सो अभी लेट्स टॉक अबाउट आर क्राफ्ट वीडियो। तो आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने एक वॉलपेपर परचेस किया है मीशो से एंड ऑफलाइन स्टोर से। तो वो वॉलपेपर से मैंने अभी तक बहुत सारे क्राफ्ट आइडियाज वैसे तो क्रिएट कर लिए हैं, एंड आपको भी वो क्राफ्ट आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वॉलपेपर ऐसे ही पड़े पड़े खराब ना हो जाए, तो इससे क्यों ना कुछ और यूनिक क्राफ्ट आइडियाज क्रिएट करे। तो उसी का यूज करके आज के जो DIYs है मैंने क्रिएट किए है। ऑल्सो आपके घर में अगर कारपेंटर का काम होता है तो ऐसे ही कुछ वेस्ट सिक्स पड़ी होती है, तो उसको भी आज हम यूज करके कुछ यूनिक से DIY डेकोर्स बनाएंगे। तो आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड अमेजिंग होने वाला है। तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक जरूर पूरा देखना। ऑल्सो अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन इवन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स। गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस माई एनी फ्यूचर वीडियो। एंड नाउ एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने ऐसा एक स्क्वायर शेप MDF बोर्ड लिया है। तो आप MDF बोर्ड की जगह पे एक्चुअली थिक कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो। तो MDF बोर्ड के साथ ही मैंने ऐसे कुछ कार्डबोर्ड के स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। तो कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स जो है कट करने की प्रोसीजर मैंने यहाँ पे इस वजह से शो नहीं की है बिकॉज मेरा जो कटिंग मैट है वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। एंड अगर मैं डायरेक्टली टेबल के ऊपर कार्डबोर्ड को कट करती तो जो मेरा टेबल है उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते इस वजह से। तो ऐसे इसी तरीके से मैंने जो कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स है फिर उनको कट करके जो हमारा MDF बोर्ड है उसके चारों साइड पे ग्लू लगाकर ऐसे चार कार्डबोर्ड जो स्ट्रिप्स है उसको वहाँ पे स्टिक कर दिया है ताकि हमारा जो MDF है उसको एक फ्रेम जैसा लुक मिले। उसके बाद फिर मैंने चारों साइड से जो MDF बोर्ड पर कार्डबोर्ड लगाया है वहाँ पर अच्छे से मास्किंग टेप भी लगा दिया है। तो मास्किंग टेप की जगह पे आप यहाँ पे न्यूज़पेपर ग्लू में पानी ऐड करके भी लगा सकते हो या फिर टिश्यू पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स कट करते समय ही मैंने ऐसे कुछ स्क्वायर शेप के कुछ पीसेस भी कट कर लिए थे। एंड उसके साथ अभी मेरे पास एक ऐसा एक छोटा सा मिरर पड़ा हुआ था, ये एक्चुअली मेरे मेकअप पैलेट का मिरर है, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मिरर को मैंने जो है MDF बोर्ड के कॉर्नर पर ऐसे पहले सेट कर दिया है एंड फिर इसके साइड में से जो है कार्डबोर्ड की जो स्ट्रिप्स है उसको कट करके इस मिरर का जो शेप है एग्जैक्टली उसी शेप में उन स्टिक मतलब जो कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स है उनको स्टिक किया है। तो इन कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स को भी मैंने मास्किंग टेप से पहले से ही कवर करके रखा था। उसी तरीके से ये जो स्क्वायर शेप कार्डबोर्ड है कार्डबोर्ड पीसेस है इनको भी मैंने पहले से ही मास्किंग टेप लगा दिया है। तो अभी मैं वन बाय वन सभी कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स एंड जो स्क्वायर शेप कार्डबोर्ड पीसेस है उनको जो हमारा MDF फ्रेम है उसके ऊपर इक्वली सेट कर रही हूँ एंड फिर एक मार्कर की हेल्प से एक मतलब इसका जो पर्टिकुलर मेजरमेंट है वो लेते हुए सीजर की हेल्प से इसको मैंने कट कर लिया है। तो ये जो भी स्ट्रिप्स है ये पहले से ही मेरे पास इसके मेजरमेंट नहीं थे, मैंने इसको बाद में सब कुछ जो है जब MDF फ्रेम मैंने बनाया उसके बाद में मैंने प्रॉपरली मेजरमेंट लेके इसको कट कर लिया है। तो वन बाय वन करके अभी मैंने ग्लू की हेल्प से जितने भी पीसेस हमने कार्डबोर्ड के कट किए थे उन सभी को मैंने इस MDF फ्रेम के ऊपर स्टिक कर दिया है। अभी बारी आती है पेंटिंग की। तो पेंटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर यूज किया है जो कैमलिन का फैब्रिक
फैब्रिक ब्राउन कलर होता है ना, वो मैंने यहाँ पे एक्चुअली यूज किया है। तो ब्राउन कलर की जगह पे कोई अदर कलर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, लाइक जैसे ब्लैक कलर हो गया या फिर प्योर व्हाइट कलर जो होता है वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने जो है ब्राउन कलर का सिर्फ एक ही कोट यहाँ पे यूज किया है। एंड अभी जो हमने फ्रेम के साइड कॉर्नर में जो मिरर के लिए जगह रखी थी वहां पे मैंने अभी ग्लू लगाकर उसके अंदर मिरर को स्टिक कर दिया है। तो उसके बाद मैंने अभी ऐसे कुछ जो ये कलरफुल वॉलपेपर थे मेरे पास बहुत टाइम से पड़े हुए हैं, यानी कि आप देख सकते हो मैंने इससे बहुत सारे क्राफ्ट्स बना लिए हैं, बट अभी भी ये वॉलपेपर मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। एंड एक्चुअली ये क्राफ्ट बनाने के बाद भी मेरा ये वॉलपेपर ख़त्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं आगे कोई अगर और आइडियाज़ मुझे आते हैं ये वॉलपेपर यूज़ करके तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो ये क्राफ्ट में मैंने यही सेम वॉलपेपर यूज़ किए हैं। तो अभी मैंने जो ये स्क्वायर शेप के हमने कार्डबोर्ड पीसेस कट किए हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट एक्रेलिक कलर से मैंने पेंट किया है। तो ये पेंट करने का रीज़न ये है कि जो हमारा वॉलपेपर है उसकी जो मैंने साइज कट की है उससे ये कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स ज़रा बड़े हैं, तो इस वजह से जो वॉलपेपर की डिज़ाइन है उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे फिर सभी कार्डबोर्ड को येलो ग्रीन येलो ऑरेंज देन फिर ब्लू ऐसे बहुत सारे कलर से पेंट किया है। एंड अभी वन बाय वन सभी जो हमारे वॉलपेपर स्टिकर्स हैं उनको ग्लू के हेल्प से इन सभी कार्डबोर्ड जो स्क्वायर शेप पीसेस है इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। अब बारी आती है हमने जो ये कार्डबोर्ड के पीसेस तैयार किए हैं इनको फ्रेम के अंदर लगाने की। तो वन बाय वन करके मैंने सभी फ्रेम के अंदर अच्छे से वाइट फेविकॉल एसेट जो है वो लगा दिया है अभी। एंड अभी वन बाय वन करके मैंने सभी जो हमारे स्टिकर से बनाए हुए टाइल्स है उनको फ्रेम के अंदर स्टिक कर दिया है। अब बारी आती है हमारी इसके ऊपर थोड़ी कलाकारी दिखाने की। तो इसको और थोड़ा इन्हांस करने के लिए इसका जो लुक है इसका और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है कुछ ऐसे जो कटपीस मिरर्स होते हैं वो यूज़ किए हैं। तो जहाँ जहाँ पर मुझे जगह दिख रही थी एक्चुअली मैंने ऐसे कुछ एज सच पैटर्न डिसाइड नहीं किए थे, मुझे जहाँ पर भी लग रहा था कि ये पोर्शन थोड़ा खाली दिख रहा है वहाँ पर मैं सभी जो है ये कटपीस मिरर्स जो है वो लगाती जा रही थी। तो ये भी स्टेप्स जो है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपको मिरर्स नहीं लगाने तो आप वैसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। उसके बाद भी मुझे मिरर मतलब जो ये फ्रेम है हमारी ये बहुत ज़्यादा खाली दिख रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर लिया है एंड उससे फिर जो है 000 ब्रश जो है वो लेके यहाँ पर कुछ जो मतलब जो हमने कार्डबोर्ड टाइल्स बनाई है इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से ऐसे पैटर्न्स बना दिए जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब मैंने एंड में पूरे आर्ट पीस के ऊपर अच्छे से वर्निश का एक कोट लगा दिया है ताकि हमारा जो ये आर्ट पीस है वो लंबे समय तक टिका रहे। तो अभी आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। सेकेंड DIY क्राफ्ट बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ स्टिक्स ली हैं। तो ये स्टिक्स मेरे पास बहुत सारी अभी भी पड़ी हुई है बिकॉज मेरे पापा कारपेंटर है तो हमारे घर में आए दिन ऐसे स्टिक्स पड़ी रहती है। तो जब भी मैं घर पे जाती हूँ ना तो ऐसे स्टिक्स लेके आती हूँ क्योंकि ये मुझे क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अभी सबसे पहले मैंने चार जो स्टिक्स है उनको लंबा रखकर एक पर्टिकुलर शेप में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं रखे हैं, हमें एक सिंपल से ऐसे आरी लेके ऐसे लकड़ी के चार पीसेस कट करने हैं लंबे से एंड उसके बाद मैंने ऐसे तीन छोटे पीसेस एंड उसके बाद अगेन चार थोड़े मीडियम साइज के पीसेस कट किए हैं। उसके बाद मैंने फेविकॉल एसेज लेके उसको अच्छे से एक लकड़ी के ऊपर लगाकर जो दूसरी लकड़ी है उसके ऊपर मतलब ऐसे स्टिक कर दी है ताकि हमें एक मोटा सा बेस मिले। तो एग्जैक्टली आप जब मैं ये सभी पीसेस तैयार कर लूँगी एंड जब मैं इनको इक्वली असेंबल करूँगी तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम बना क्या रहे हैं।
तो इसी तरीके से जो मैंने दो बड़ी लंबी जो लकड़ियां है उनको एक दूसरे के साथ स्टिक करने के बाद जो ये दो छोटे छोटे पीसेस है उनको भी हम एक दूसरे के साथ इसी तरीके से स्टिक करेंगे। एंड अभी तीन ऐसी छोटी लकड़ियां जो है उनको नीचे ऐसे इक्वल शेप में रख के उनको साइड पोर्शन में ग्लू लगाकर उसके ऊपर से भी ऐसे छोटी छोटी दो लकड़ियां स्टिक कर दी है। अब मैंने ये एक ब्राउन कलर का टिंट लिया है, ये PU पॉलिश है, एंड इसी के हेल्प से अभी मैं पूरा जो हमारे कार्ड मतलब लकड़ी के जो पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं उनको वन बाय वन पेंट करते जाएंगे। तो ऑनेस्टली ये इसी का सिमिलर जो है मैंने क्राफ्ट का जो पर्टिकुलर सामान मिलता है वहाँ पे भी जाके चेक किया, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। एंड सिमिलर प्रोडक्ट मुझे अभी हार्डवेयर में मैंने चेक किया तो मुझे ये सिर्फ 110 रुपीज़ का इतना बड़ा डब्बा मिल गया। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट जो है हार्डवेयर स्टोर में ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, बट ऑनेस्टली अगर क्वालिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो शायद से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट हमारा काम इससे चल जाता है। इस वजह से फिर मैंने यही प्रोडक्ट परचेस किया है, क्योंकि मुझे ये जो वुडन स्टिक्स थे उनको एक नॉर्मल सा ब्राउन लुक देना था, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना था इस वजह से। तो इस तरीके से मैंने अभी सभी लकड़ियों के ऊपर जो है मतलब सभी लकड़ी के जो पीसेस हमने तैयार किए उनके ऊपर ये ब्राउन टिंट लगा दिया है। एंड अब बारी आती है इनको प्रॉपरली असेंबल करने की। तो इसके लिए मैंने अभी जो दो बड़ी साइज की जो लकड़ी है उनको ऐसे इक्वली एक दूसरे के सामने रखकर जो छोटी साइज की लकड़ी है उसके दोनों एंड्स पर मैंने ग्लू गन लगा दी है, एंड फिर उसकी हेल्प से ही जो दोनों बड़ी लकड़ियां है उसके ऊपर ऐसे स्टिक कर दी है। तो हमें एक रेक्टेंगुलर शेप एक्चुअली इसका बनाना है, तो इसी वजह से फिर मैंने दोनों साइड से ग्लू गन की हेल्प से जो छोटी छोटी लकड़ियाँ थी उनको भी स्टिक कर दिया है। अभी जो हमने बेस लकड़ी से बनाया हुआ था उसके ऊपर भी मैंने ग्लू गन लगा दी है, एंड उसको भी ये स्क्वायर शेप सॉरी जो रेक्टेंगुलर शेप हमने बनाया है लकड़ी का उसके अंदर स्टिक कर दिया है। अभी एंड में मैंने पूरे आर्ट पीस के ऊपर जो है अच्छे से वर्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया है ताकि हमारा जो ये आर्ट पीस है ये लंबे समय तक टिका रहे। तो अभी आप इसका भी फाइनल लुक देख सकते हो। होप कि आपको आज का मेरे सारे DIY क्राफ्ट आइडियाज पसंद आए होंगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट दैट इन टुडेज वीडियो विच DIY क्राफ्ट आइडिया यू लाइक द मोस्ट। ऑल्सो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि देर इज वन बिग अनाउंसमेंट आई हैव टू मेक, लाइक मैं कुछ प्लान कर रही हूँ क्राफ्ट चैनल के अलावा भी और कुछ क्रिएट करने का। सो येस, मैंने प्लान किया है अभी कि मैं एक और ऐसा चैनल बनाऊ जहाँ पे मैं फैशन लाइफ स्टाइल एंड ट्रेवल ब्लॉगिंग जो है वो अपलोड करूँ। तो बहुत दिनों पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप डेली व्लॉग्स देखना पसंद करोगे, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यस। तो इस वजह से मैंने फिर प्लान किया है, अभी फिलहाल तो डेली व्लॉगिंग पॉसिबल होगा या नहीं वो मुझे मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा, बट हाँ वीकली व्लॉगिंग के बारे में मैं प्लान कर रही हूँ। एंड जैसे ही मैं चैनल क्रिएट करती हूँ मैं कम्युनिटी पोस्ट पर उसकी लिंक आपको अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप मेरा जो डेली रूटीन होता है मेकअप स्टाइल एंड फैशन एवरीथिंग अगर आप देखना हो तो प्लीज मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, एंड बाकी सब कुछ तो आपको पता है क्या करना है। जस्ट गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।